योगेश वर्मा जी है सर, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेकर? देखिए आज ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और इतने वर्षों से लगातार जिस प्रकार से सभी RW मिलकर और ये मंडली जो प्रोग्राम कर रही है, इस प्रकार के प्रोग्राम से आपस में अच्छी भावना तो जागती ही है, उसके साथ साथ एक प्रकार से समाज के जुड़ने का भी कार्यक्रम होता है। मैं बधाई देता हूँ आयोजकों को और सभी लोगों को कि उनकी सबकी मंगल कामनाएं भी पूर्ण। सर एक छोटा सा सवाल था, इस बार जो चुनाव होंगे 4 तारीख को MCD के, किन मुद्दों को लेकर के होंगे? देखिए हम लोगों को आप देखेंगे हमारी वर्किंग, तो हमने 5 साल तक लगातार अपने क्षेत्र के अंदर काम किया है। विकट परिस्थितियों के बावजूद आप देखोगे, आप मेरे क्षेत्र में निकल के देखिए किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। 12.5 करोड़ रुपए के मैंने विकास कार्य कराए हैं, हैं? तो ये विकास कार्य ऐसे नहीं होते हैं, उसके लिए हम लोगों का प्रयास रहा है। आप मेरे एरिया के चल के देखिए, फर्स्ट क्लास लाइटें लगी हुई हैं, कंपैक्टर लग रहे हैं, वहाँ पर हमने ढलावों को बंद कर दिया। केवल हम लिफाफेबाजी नहीं करते, हम कोई प्रचार नहीं करते, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते, हम लोग काम करके आते हैं। और आज अगर मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा तो छाती ठोक कर जाऊंगा कि मैंने अपने हर वार्ड के अंदर, हर पार्कों के अंदर जाके झूले लगवाए, जिम लगवाए, मैंने अपनी सड़कों का निर्माण करवाया, मैंने यहाँ पे ढलाव घरों को बंद करवाया, फिर ढलाव घरों को समाज को दिया। तो ये जो सब कार्यक्रम है ये सब समाजों के लिए होते हैं। सर कुछ लोगों का कहना है कि आप एक एडवोकेट भी है, क्षेत्र को कम समय देते हैं और अपने कोर्ट में ज्यादा समय देते हैं। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आप मेरा फेसबुक और सोशल मीडिया को उठाइए कि अगर मैंने हफ्ते में 2 दिन अपने क्षेत्र में राउंड ना लिया हो और अगर मैंने जो है अपने क्षेत्र के अंदर काम ना किए हो। और जहाँ तक आपने कहा वकालत की बात, देखिए वकालत के लिए मेरे पास बहुत बड़ी टीम है और अगर मैं काम नहीं करूँगा, मेरी टीम काम नहीं करेगी, तो मैं अन्य जो निगम पार्षद है जैसे कि जो मेरे सामने खड़े हैं, जो अपना काम धंधा छोड़कर खड़े हो गए, तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैंने अपने दम के ऊपर काम भी किया और क्षेत्र के अंदर विकास कार्य किया। 5 साल तक आप थे अभी निगम में, ये आवारा पशुओं के लिए आपने क्या किया? देखिए आवारा पशुओं की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने समय समय पर प्रयास किए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग जनता से भी अपील करते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं बिना पब्लिक की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकते, तो उसके लिए सबकी भागीदारी जरूरी होती है। जहाँ पर निर्णय एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया जाता है वहाँ RWs की बहुत बड़ी सख्त जरूरत है, लेकिन हमने उसके लिए प्रयास किया। आप देखिए मेरे क्षेत्र के अंदर अब भी आप जाइए, आपको बहुत कम मिलेंगे। धन्यवाद सर।